तो इस वीडियो को हम तीन भागों में देखेंगे। पहला भाग होगा सिंपल सा है कि हम थ्योरी देखेंगे कि कैसे काम करता है एक्चुअली में, और उसके बाद हम होगा तो प्रैक्टिकल जाएंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मतलब एकदम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जाएंगे, घुसेंगे इलेक्ट्रॉनिकली कैसे काम करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने का कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली में वो मतलब डीप में कैसे काम करता है। ठीक है, तो माउस में पहले आता था बॉल वाला माउस आता था कि जिसमें कि एक उसके माउस का अगर नीचे का सरफेस लिया जाए, मेरे ख्याल से मार्कर निकालना पड़ेगा, है ना, इसको छोड़ो, ये बड़ा मोटा मार्कर है, पतला मार्कर इसे समझाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है कि नीचे का ऐसा सरफेस हो, अगर मान लीजिए अगर ये स्क्वायर मान लीजिए, वैसे सरफेस होता नहीं है ऐसा किसी भी माउस का, तो पहले के माउस में वहाँ पे एक नीचे में गोल क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, बॉल होता था। ठीक है, तो वो जो बॉल होता था ना, वो एक सरफेस पे स्क्रॉल करता था, जब भी हम जैसे मान लीजिए ये है और जैसे ये, हाँ पेन सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, पेन के नीचे में भी यहाँ पे एक बॉल होता है। ठीक है, आपको कभी पता नहीं चलता है कि, लेकिन वो बॉल नच रहा होता है उसमें। ठीक है, कभी आदमी को लगता है हमेशा कि यार कि मतलब पेन चल रहा है बस वहाँ पे कोई बॉल, एक तो सब जानते हैं कि बॉल होता है उसके अंदर, बॉल होता है ये सब जानते हैं, पेन में बॉल होता है, लेकिन ये बहुत कम आदमी जानते हैं कि वो पेन वाला बॉल एक्चुअली में घूम रहा होता है, मतलब जब आप लिखते हैं उससे तो घूम रहा होता है। ठीक है, वो स्थिर नहीं रहता है एक जगह, घूम रहा होता है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सबको ये बात पता है कि मतलब बॉल होता है, हम लोग बच्चा में मतलब इसका बॉल निकाल के फिर वापस डाल देते हैं, तो इसी बॉल की तरह माउस में भी बॉल होता है। ठीक है, और वो माउस जो है सो जब जैसे हम लिखते हैं तो ये बॉल नचता है, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में ये जो है, जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो ये मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए कि पता नहीं सीधे लिखने में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये बेसिकली जब भी आप कोई इसको थोड़ा सा भी मूव कीजिएगा ना, तो उसके अंदर जो एक्चुअली में एक बात हमेशा याद रखिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, कोई भी SSD हो, हार्ड ड्राइव हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो छोटा सा डिवाइस हो और कंप्यूटर के साथ अटैच होता हो, किसी भी स्मार्ट डिवाइस के साथ अटैच होता हो, उसमें हमेशा खुद का उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खुद का उसके पास दिमाग होता है, खुद का उसके पास प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, और वो प्रोग्राम जो होता है उसके माइक्रो कंट्रोलर में होता है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको इसका, तो वो माइक्रो कंट्रोलर में होता है, और इसीलिए इसी का एक सब्जेक्ट पूरा इस पर बेस्ड है, माइक्रो कंट्रोलर का मतलब कोर्स आता है पूरा। ठीक है, इसमें आर्डुइनो के बारे में बताया जाता है कि उससे माइक्रो कंट्रोलर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसका डेटा रीड किया जा सकता है। ठीक है, अभी मेरे पास आर्डुइनो नहीं है, लेकिन दिखा देते हैं कि आपको कैसे उसका डेटा रीड होता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि जब भी आप इसको स्क्रॉल करते हैं ना, तो ये बेसिकली एक रॉ डेटा अपने माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है। माइक्रो कंट्रोलर जब ये रॉ डेटा भेजता है तो माइक्रो कंट्रोलर बेस में प्रोग्राम होता है, और उसमें जनरली ये माइक्रो कंट्रोलर किसी भी तरीके का चिप हो सकता है, रॉम भी हो सकता है, रीड ऑनली मतलब सिंगल टाइप, एक बार ही डेटा राइट किया जा सकता है, उसके बाद सिर्फ रीड और राइट नहीं किया सकता दोबारा, उसमें भी डेटा हो सकता है इनक्रिप्टेड हो, और अगर इनक्रिप्टेड नहीं है और तो डेटा आर्डुइनो के द्वारा रीड किया जा सकता है माइक्रो कंट्रोलर का, और उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको एक प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, कि जब ये माउस इस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसको पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है कि माउस एकदम बीच में है, यहाँ पे एक डॉट बना होता है इस माउस में। ठीक है, ये यहाँ पे डॉट होगा और कैलिब्रेट हो, जब कैलिब्रेट होता है, कैलिब्रेटेड होता है, तो ये यहाँ पे डॉट बीच में होता है, तो जब आप मूव करते हैं तो ये इधर से इधर मूव करेगा, इधर से या तो दिखाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किस मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये बेसिकली रॉ डेटा को प्रोसेस करता है माइक्रो कंट्रोलर, और ये माइक्रो कंट्रोलर जो है सो उसके बाद उस डेटा का जो उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो प्रोडक्ट आता है, जो भी कह लीजिए, वो जो है सो बेसिकली भेजता है हमारे कंप्यूटर को, उसके बाद हमारा कंप्यूटर देखता है कि हाँ फलाना ढिमकाना जो है सो जगह पे घुमाया गया है इसको, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने ऑप्टिकल माउस की, और एक और बात हम लेज़र माउस की बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग मतलब शायद हाँ बहुत कम लोगों को पता है कि लेज़र टाइप का माउस होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप का माउस होता है कि हमारा यही जो बॉल है इसी को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे एक दो चीज़ लगा देते हैं। पहला एक LED, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी LED हो सकता है,
और सेकेंड चीज़ है एक सीमोस सेंसर। सीमोस सेंसर बेसिकली एक कैमराज में यूज़ किया जाता है, ये ऐसा सेंसर होता है जो कि बेसिकली लाइट कैप्चर करता है। सीमोस सेंसर एक टाइप का सेंसर होता है जो लाइट कैप्चर करता है, और यही वजह यही प्रॉपर्टी से इसको जो है सो कैमरा में यूज़ किया जाता है। हर एक कैमरा में जितना भी डिजिटल बढ़िया कैमरा है सैमसंग का जो भी है, मतलब बड़ा बड़ा कैमरा सब, उसमें सीमोस सेंसर होगा और लिखा रहता है कि इसमें सीमोस सेंसर है, ठीक है। और भी तरह तरह का सेंसर है कैमरा में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमोस है, लेकिन माउस में सीमोस होता है, ठीक है। एक सीमोस सेल भी आता है, वो लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगता है, तो वो अलग चीज़ है। तो इसमें सीमोस सेंसर होता है, सीमोस सेंसर होता है, और ये बेसिकली लाइट को कैप्चर करके उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और इसमें जो है इसको जो सरफेस पे डालने का जो काम, मतलब किसी सरफेस पे है, ठीक है, माउस आप रखे हुए हैं, माउस तो आप देखे होंगे, सब देखे होंगे, तो उसके नीचे से लाइट जल रहा होता है। मोस्टली रेड चूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी का मैटर होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेड के साथ जो है सो सीमोस सेंसर बढ़िया काम करता है, इसलिए सब रेड डाल देते हैं। आप पता नहीं एग्जैक्टली क्या है उसका, लेकिन हाँ रेड ज़्यादातर इसीलिए डाला जाता है। और मैसेज आ रहा है क्या, हाँ छोड़ो। तो रेड बेसिकली इसीलिए डाला जाता है क्योंकि रेड के साथ जो है सो बेसिकली ये सीमोस सेंसर सबसे बढ़िया डेटा कैप्चर करता है। एक बात आप नोटिस किए होंगे कि माउस हमेशा सरफेस पे रख के काम करता है, माउस उठा के नहीं काम करता है। पहला बात, इसका रीज़न है कि माउस को जो कैमरा होता है, कैमरा के जस्ट ऊपर में एक लेंस होता है, छोटा सा पतला सा लेंस, वो लेंस उसको फोकस डिस्टेंस को इतना कम कर देता है कि सरफेस और उस माउस के बीच में जो फोकस जो है वो सरफेस को बेसिकली देख सकता है। वो सीमोस सेंसर लाइट कैप्चर करता है बेसिकली हमारे सरफेस का, और वो फोटो खींचता है और फोटो खींच के जो है सो उसका माइक्रोकंट्रोलर हमेशा यहाँ पे इस हम बॉल को बस रिप्लेस कर रहे हैं इस मैकेनिज्म से, ठीक है। तो ये बॉल को बस इससे रिप्लेस कर दीजिएगा, तो एक तरीके से यहाँ पे ये कैमरा सीमोस सेंसर फोटो खींचता है, और ये जो रेड लाइट है जो भी ये लाइट प्रोवाइड करता है, क्योंकि माउस के नीचे कोई लाइट नहीं होगा ना, तो उसको लाइट देने का काम करता है। अब बात ये आ जाता है कि ये फोटो जो खींचता है तो ये रिजोल्यूशन इसका कम होता है, ठीक है, डॉटेड पिक्चर्स आता है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं उसका फ्रेम रेट, रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। DPI बहुत कम होगा, DPI मतलब डॉट पर इंच, जो कि पिक्सल्स भी बोल सकते हैं उसको, पिक्सल पर इंच, लेकिन DPI डॉट पर इंच, एक डॉट को एक पिक्सल ही बोलेंगे, कभी भी डिस्प्ले में एक डॉट छोटा होगा उसको एक पिक्सल मिलता है। तो 1280 720 होता है ना, तो 1280 मतलब एक जो डिस्प्ले 1280 गुना 720, इसी को 720p भी बोलते हैं। 720p जो YouTube पे आप देखे होंगे कि 720p का वीडियो है, तो इसको HD भी बोलते हैं। उसका 1080p हो जाता है तो उसको फुल HD भी बोलते हैं। तो यही 780p को का जो है सो ये कन्वर्जन है कि 1280 गुना 720 पिक्सल होगा उसमें, उतना डॉट होगा। तो ये जो है बहुत ही कम DPI का फोटो खींचता है। मोस्टली जो है आप ऑप्टिकल माइस जो अभी आता है वो 200 से 800 सॉरी हम लिख देते हैं 200 से 800 DPI का पिक्चर खींचता है, और वो पिक्चर का फ्रेम रेट इतना ज़्यादा होता है, रिफ्रेश रेट इतना ज़्यादा होता है, तुरंत आप माउस मूव कीजिएगा और वो कोऑर्डिनेट कर लेता है कि ये पिक्चर यहाँ से यहाँ मूव हुआ, और इसी हिसाब से वो जो है उस डेटा को प्रोसेस करके माउस को कंप्यूटर को बताता है कि भाई ये एक्स एक्सिस यहाँ पे जीरो से किस एक्सिस पे गया है, मतलब इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, ठीक है। और इसी के हिसाब से जो है सो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है। दूसरा बात हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, और मतलब यहाँ पे इतना बताया ना, ये जो है इसको ये डिस्प्ले मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्ले, और इसको बीच से काट देंगे और इसको जीरो कर देंगे, इसको एक्स एक्सिस कर देंगे, इसको वाई एक्सिस कर देंगे। अब बेहतर समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं, अब बेहतर समझ में आ रहा होगा कि जीरो हमेशा कंप्यूटर जब शुरू होता है, कभी भी देखे होंगे कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है माउस हमेशा सेंटर पे होता है। हालांकि इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन हमेशा मोस्टली सेंटर पे होता है, अलाइन किया जाता है सेंटर पे, यानी कि माउस कहीं पे भी रखा हुआ है, उसका सेंसर शुरू हुआ वो यहाँ पे है। अब वो माउस जब भी मूव करेगा तो उसका जो है सो फोटो खींचेगा, उसके बाद फोटो जो खींचता है वो रॉ फोटो होता है, और वो फोटो खींचता है रॉ में, उसके बाद वहाँ पे लाइट होता है, लाइट प्रोवाइड करता है, वो कितना मूव किया और क्या किया नहीं किया वो जो है सो प्रोसेस करने का, रॉ फोटो प्रोसेस करने का काम माइक्रो कंट्रोलर करता है जो उसके अंदर होता है। वो माइक्रो कंट्रोलर रॉ डेटा को फिर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है। इसीलिए कभी भी माउस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं माउस में, तो देखते हैं कि आता होगा कंप्यूटर में विंडोज़ में जनरली कि
ड्राइवर्स इंस्टॉलिंग, मतलब उस समय ड्राइवर इंस्टॉल करता हो, तो ड्राइवर कहाँ होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर में होता है, इसी को प्रोग्राम किया जाता है हमेशा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर का पूरा इस पर मतलब पूरा कोर्स आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि कितना डॉट पर इंच बोले थे, 200 से 800 के बीच में, ठीक है, उतना डॉट पर इंच। अब बात करते हैं एक और तरीके का माउस होता है जो इससे हाई, मतलब ज़्यादा महंगा का ऑप्टिकल माउस लीजिएगा तो उसका ये DPI जो है डॉट पर इंच जो है सो 8200 तक पहुंच जाता है। और ये किस तरीके का माउस होता है, तो ये बेसिकली गेमिंग माउस होता है, गेमिंग माउस, इसका इवन इतना DPI तो पहुँच जाता है, लेकिन साथ में इसका रिफ्रेश रेट भी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या बताएं। इसीलिए गेमिंग माउस में जनरली ज़्यादा होता है ना, वैसे नॉर्मल माउस में रिक्वायरमेंट भी नहीं है इतना, तो कोई मतलब ऐसा झंझट नहीं है, ठीक है। और ऑप्टिकल माउस के लिए रेड LED ज़्यादातर चूज किया जाता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है, जैसे कि देखते ना सबसे रेनबो का होता है ना, इसमें क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम में होता है ना कि मतलब अल्ट्रा वायलेट रे इधर है, इंफ्रारेड इधर है, तो रेड का एकदम कॉर्नर पे होता है और अल्ट्रा वायलेट एकदम कॉर्नर पे होता है, तो रेड मेरे ख्याल से सूटेबल है इसके लिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी सूटेबल है तो इसलिए इसको रेड डाल दिया, क्योंकि सीमोस सेंसर मेरे ख्याल से रेड पे। बट एक और बात, ऑप्टिकल माउस हमेशा ब्लैक सरफेस पे काम करेगा, ऑलवेज याद रखिएगा, इसीलिए कभी भी मतलब ऑप्टिकल माउस का जो पैड आता है हमेशा ब्लैक आता है, कभी भी वाइट नहीं आता है। अगर आप वाइट सरफेस पर रखने का कोशिश कीजिएगा माउस को, और माउस का रेड लाइट बहुत तेज़ है, तो देखिएगा माउस काम नहीं करेगा, या किसी और सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे रखिएगा तो काम नहीं करता, क्योंकि उसको एक पहला तो उसका सरफेस रफ होना चाहिए, दूसरा रिक्वायरमेंट है ब्लैक हो तो अच्छा है। रफ सरफेस इसलिए होता है कि रफ सरफेस में पैटर्न होता है, तो रफ सरफेस में पैटर्न जो होता है तो कैमरा को पैटर्न डिटेक्ट करने में उतना तकलीफ नहीं होता, प्लेन सरफेस में वो पैटर्न नहीं ढूंढ पाता है, प्लेन सरफेस में वो पैटर्न नहीं ढूंढ पाएगा तो ऑफकोर्स वो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है। अब एक और तरीके का माउस होता है लेज़र माउस, वैसे उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इतना आती नहीं है, मतलब कि कुछ चेंज नहीं है, बस वो जो लाइट है सीमोस सेंसर ना उसको एक लेज़र से चेंज किया गया, और यहाँ पे लाइट उट नहीं होता है, यहाँ पे कोई LED नहीं होता है, यहाँ पे सीधा होता है क्या लेज़र, और वो लेज़र इंफ्रारेड होता है, मोस्टली इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल लेज़र का माउस नहीं, गेमिंग के लिए आता है मोस्टली। अगर आप हाई एंड माउस खरीदने जाइएगा तो उसमें लाइट नहीं जलेगा, नीचे से कोई रेड लाइट ऐसा कुछ लाइट नहीं जलेगा, वो सिर्फ लेज़र होगा, वो भी इंफ्रारेड लेज़र होगा, ये वही लेज़र होता है जो कि आपके TV के रिमोट में यूज़ किया जाता है, TV के रिमोट में, आपके फ़ोन के, पहले Xiaomi का फ़ोन जो आता है, अभी भी शायद पता नहीं दे रहा है या नहीं, उसमें IR सेंसर देता है, ठीक है ना, इंफ्रारेड सेंसर, जिससे कि आप TV के उसको किसी भी तरीके के रिमोट को मतलब डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं जो इंफ्रारेड बेस्ड है, जैसे TV हो गया, AC हो गया, अभी हम लोग बहुत मस्ती करते थे क्लास में, क्या करते थे, AC का मतलब सैमसंग का AC लगा हुआ था तो उसमें चूज़ कर लेते थे और AC का टेम्परेचर कम कर देते थे, बैंड बजाता रहा सबका क्लास में, तो ई जो है सो बेसिकली यही से ही है कि मतलब ऐसे ही काम करता है सब कुछ, ठीक है। गेमिंग माउस में कुछ नहीं है, और इंफ्रारेड माउस, सॉरी लेज़र माउस यानी इंफ्रारेड जो लाइट के जगह इंफ्रारेड यूज़ करता है, कैमरा वही होता है सर मेरे ख्याल से, उस माउस की कुछ खासियत ये है कि पहला वो जो है सो किसी भी मोस्टली सरफेस पे, मोस्ट ऑफ द सरफेस पे काम करता है, ठीक है, ग्लास पे भी इवन काम कर जाता है वो लेज़र माउस, इसलिए महंगा भी आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सरफेस पे काम करता है। और एक और बात, ऑप्टिकल माउस भी कभी कभी इंफ्रारेड सेंसर के साथ आता है जिसमें कि लाइट नहीं जल रहा होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि मतलब लाइट नहीं जल रहा है, तो ऑप्टिकल माउस भी आता है बेसिकली कभी कभी इंफ्रारेड के साथ, और नॉन ऑप्टिकल भी मतलब जो लेज़र वाला है वो भी आता है। अब पता नहीं इसमें इतना डीप क्या है, मतलब उतना जानकारी हमको भी नहीं है, लेकिन इतना था कि हाँ है। अब मेरे पास एक माउस है, उस दिन हम आपको सर बताए थे कि नहीं पता नहीं, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था वैसे, तो सोचे उसको खोल खाल के बराबर कर दिया जाए, तो प्रैक्टिकल सेक्शन है ये, तो अब हम इस माउस को बेसिकली खोल के देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या कैसे काम करता है, मतलब पता नहीं, इस माउस को हम पहले भी खोल चुके हैं क्योंकि कई बार इसको रिपेयर करके चलाए हुए हैं, मतलब रिपेयर करके काम नहीं कर रहा है, रिपेयर करके चलाने का मजा ही कुछ और होता है।
ये काम कर जाएगा मेरे ख्याल से, आई थिंक काम कर गया एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग। बे यार निकल गए। इसको रिवर्स इंजीनियर, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी किया सकता है, मतलब इसका डेटा भी रीड किया सकता है, लेकिन मेरे पास अड्रिनो नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं फिलहाल। क्या है कि घर पे खूब करते रहे सब, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे तो कुछ ऐसा रिसोर्स नहीं है मेरे पास, वो भी नहीं है ना क्या बोलते हैं सोल्डर आयरन, वो होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ओके खुल गया, जो खुल गया इसको फोकस करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखना है, अभी देख लीजिए जैसे लगा हुआ है वैसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे फोकस, हाँ यहाँ पे ये जो है ये बटन है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक बटन है, और ये भी एक बटन है, और ये बटन है राइट क्लिक, देख रहे क्लिक हो रहा है, ये बटन है लेफ्ट क्लिक, क्लिक हो रहा होगा मतलब, और ये बटन है सेंटर क्लिक, यहाँ पे क्लिक होता है इसको हम दिखाएंगे, और ये है स्क्रॉल स्क्रॉलर, इसको हम बेसिकली ऐसे उठा के ऐसे घिस देंगे, निकल गया। तो ये स्क्रॉलर का जो ये जो है ना ये वाला भाग जो होता है इसका, वो यहाँ पे बेसिकली फंसा होता है, ठीक है। और इसके अंदर वो है मतलब एक्चुअली में इसी के अंदर में इसको स्क्रॉल करने का काम करता है, और इसको जब स्क्रॉल करता है तो तभी जाके, और एक और बताते हैं, ठीक है। और ये ये सेंटर क्लिक है, तो इसको क्लिक करते हैं और ये वाला यहाँ पे स्क्रॉल करता है। इसमें चार पिन है और एक ग्राउंड है पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको खोलते हैं, अबे यार। और ये उसके नीचे का सेक्शन है, और फोकस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई। हाँ ये उसके नीचे का सेक्शन है, और ये है बेसिकली लेंस, यही लेंस होता है, और ये यहाँ पे जाकर सीट करता है, मतलब यहाँ पे ये देख सकते हैं कैमरा है, एकदम कैमरा। पहले का कैमरा तो उतना दिखता नहीं था साफ से, लेकिन अभी का तो कैमरा देख सकते हैं साफ साफ, ये कैमरा है, ठीक है। तो ये कैमरा की तरह, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इसको कैमरा की तरह काहे नहीं यूज़ करता है कोई फिर, तो ये कैमरा इतना मतलब ये कैमरा सिर्फ इसके लिए बना है, मतलब हाई क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेश रेट और लो डी पी आई, मतलब इससे आप बहुत कम पिक्सल का ही इमेज खींचता है तो उतना मतलब बढ़िया फोटो नहीं आएगा, 0.03% ऐसे कुछ आता है, मतलब 3 मेगापिक्सल या पिक्सल बोल लीजिए, पता नहीं मेगापिक्सल, पिक्सल में तो हो जाएगा यही इतना 300-400 पिक्सल, ठीक है। तो और इस माउस में हम इस माउस को कभी ध्यान नहीं दिए, इस माउस में मेरा यहाँ पे कोई माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, सब इंटीग्रेटेड है इसमें, सबका सब इंटीग्रेटेड है। ये हमारा एलईडी है, और ये रेड कलर का एलईडी है, ठीक है। ये हमारा वो नहीं है क्या बोलते हैं इंफ्रारेड, अगर ये इंफ्रारेड होता तो दिखता भी नहीं, ठीक है। ये एलईडी है, पक्का एलईडी है। यहाँ इसका ये पॉजिटिव पिन है, ये इसका नेगेटिव पिन है, ये रेसिस्टर है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू हम नापेंगे किससे, इसका जो कलर कोड है उसमें जो कलर दिख रहा है वो उससे नापेंगे। ये कैपेसिटर, और ये कितना का है भाई, 25 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड, और ये हमारा सीमो सेंसर प्लस माइक्रो कंट्रोलर है। और पीछे देखते हैं, ठीक है, पहले ये देख लीजिए, ये चार पिन आ रहा है, चारों पिन USB 2.0 यूनिवर्सल सीरियल बस, जो मतलब जो भी है USB 2 का वायर है, और ये जाके सीधे इसमें लगा होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, तो यही इसका माइक्रो कंट्रोलर भी है, और सीमो सेंसर इंटीग्रेटेड है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यार फोकस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारा सॉल्डर किया हुआ है ये सब, तो यहाँ पे ये चार पिन सॉल्डर देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ गया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से माइक्रो कंट्रोलर भी है और कैमरा भी है।
और अब हम थोड़ा सा इस पर इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो इसको मल्टीमीटर से देखेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे, देखिए मल्टीमीटर का भी हम थोड़ा डेमो दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये जो यहाँ ये मल्टीमीटर का डायल हो गया यहाँ पे फोकस, ये वाला सेक्शन डायोड्स डायोड्स चेक करने के लिए, देखिए यहाँ पे डायोड का साइन बना हुआ है। और ये डायरेक्ट और वायर चेक करने के लिए भी होता है कि आप इसे वायर और डायोड दोनों चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है पॉजिटिव से पॉजिटिव निगेटिव से निगेटिव, और अगर वो सिग्नल वायर के थ्रू क्रॉस हो जाता है तो ये बीप बजने लगेगा, मतलब कि वायर ठीक है, अगर नहीं तो नहीं, या फिर कहीं शॉर्ट है तो फिर बजने लगेगा तो पता चल जाएगा शॉर्टिंग है। अगर डायोड है तो वन वे करेंगे तो नहीं बजेगा, और दूसरा वे करेंगे तो ये बीप करके बजेगा, और अगर दोनों तरफ बज गया तो मतलब डायोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है, डायोड ख़राब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बेसिकली रेसिस्टेंस के रेसिस्टेंस नापने के लिए है, और ये कैपेसिटेंस नापने के सॉरी ये क्या बोलते हैं वोल्टेज सॉरी करंट नापने के लिए एम्पियर, और ये वोल्टेज एसी वोल्टेज नापने के लिए है, और ये डीसी वोल्टेज नापने के लिए है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वो है एनालॉग सॉरी डिजिटल सिग्नल है शायद, और ये हमारा ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये ट्रांजिस्टर है पीएन जंक्शन, पता नहीं क्यों, हाँ तो ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए कि ट्रांजिस्टर ठीक है या नहीं, ठीक है। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों दो तरीके का ट्रांजिस्टर होता है, दोनों का ठीक है या नहीं वो नापने के लिए है। यहाँ पर एक कॉमन वायर है, और ये दोनों हमारा जो है सो क्या बोलते हैं मेन वायर है, तो ये कॉमन ही होता है हमेशा निगेटिव, और ये हमारा जो है सो नीचे वाला ये सब सारा सेंसर पर काम करेगा, ये सभी के लिए है, ये सिर्फ उसके लिए है एम्पियर के लिए। देखिए यहाँ 10 एम्पियर है लिखा हुआ, तो 10 एम्पियर मैक्सिमम ये अगर मल्टीमीटर से आप जा सकते हैं, अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा का लोड दीजिएगा तो ये बेसिकली उड़ जाएगा, और कई बार हम ऐसे ही जला चुके हैं इसको तो कई बार जला चुके हैं इस चक्कर में। तो हम क्या करेंगे, इसको इस डायल को यहाँ पे लाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा वायर कैसा है, ठीक है। तो अगर ये बीप बजा तो मतलब वो डायरेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हम देखिए सटाते हैं, चल रहा है, ओके। तो अभी हम पता नहीं क्यों एक साथ रिकॉर्ड करने बैंड बज रहा है मेरा। तो अभी हम चेक करेंगे कि इसमें से चार वायर को चेक करेंगे कि शॉर्ट है या नहीं, हालांकि ठीक तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर बात बराबर हो गया। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन काट दीजिएगा अगर, बंद कर दीजिएगा अगर देखने का मन नहीं है तो। तो इसको अभी हम नीचे करके करते हैं, क्या है कि ऊपर से दिक्कत होगा, ठीक है, फोकस। देखिए नहीं जला, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा है। देखिए ये एक तरीके से जो है ना, ये वाला सेक्शन जो बेसिकली डायोड ठीक चेक करने के लिए, वो रेसिस्टेंस भी नापता है एक तरीके से, तीनों काम एक साथ करता है। तो जब वायर में करंट नहीं जा रहा होगा तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा होगा तो कुछ नहीं होगा, वन यहाँ पे वन का वन रहेगा, और थोड़ा मोड़ा भी जा रहा होगा तो बताएगा कि रेसिस्टेंस क्या है उसका, और अगर पूरा जा रहा होगा तो बीप बज जाएगा। तो इस तरीके से तीन है, हम बताना भूल गए थे तो बता दिए। उसके बाद ये देखिए ये वायर और ये वायर क्या बोलते हैं, देख जब लगाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रेसिस्टेंस आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि डायरेक्ट, मतलब ठीक है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड वाले पे करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है मतलब, तो ये थर्ड वाले फोर्थ वाले पे और इस पे तो इससे ये पता चल गया कि ये जो हमारा ये वायर ठीक है, ठीक है, ये कहीं से भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये बोर्ड ठीक है, इसका इससे पता चल गया, माउस ख़राब है इसलिए हम कंफर्म कर लिए कि ये बोर्ड ठीक है, कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ओके। अब हम क्या देख सकते हैं इसमें, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा यूएसबी होता है, यूएसबी का ये चार वायर होता है, ये एक्चुअली में होता क्या है, मतलब क्या करता है। तो ये चार वायर है और ये हमारा यूएसबी है, तो ये चार वायर जो आता है यहाँ पे,
उसमें से दो वायर होता है हमारा करंट के लिए और 5 वोल्ट का, क्योंकि हाँ 5 वोल्ट का, और दो वायर में से एक वायर होता है क्लॉक का और एक वायर होता है डेटा का। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, इसमें लिखा हुआ भी है, बहुत में नहीं रहता। तो ये देखिए, ये वायर जो है, पहले यहाँ से बात करते हैं, ये वोल्टेज है मतलब +5 वोल्ट, और ये ग्राउंड है। अरे यार, ये ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद ये क्लॉक है और ये डेटा है। ग्रीन कलर का डेटा है, ऑरेंज कलर का क्लॉक है, वाइट कलर का वोल्टेज है मतलब +5 वोल्ट, और ये ब्लू कलर का ग्राउंड है, ठीक है। एक और बात, अभी हम आपको समझाएंगे क्लॉक और डेटा क्या है, वो अभी हम थोड़ी देर में समझाएंगे। उससे पहले हम आपको इसको पीछे लेके जाते हैं। तो पीछे में देखिए, ये वाला ग्राउंड है, इसको फॉलो करते जाइए, ये यहाँ आते हैं। ग्राउंड हमेशा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है सो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब किसी भी बोर्ड का, किसी भी पीसीबी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो ग्राउंड होता है। तो ये वायर देखिए पूरा का पूरा यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से पूरा का पूरा ऐसे ऐसे पूरा गया हुआ है एकदम चारों तरफ है, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया ग्राउंड घिरे हुआ है, क्योंकि ग्राउंड निगेटिव होता है और ये एज ए कॉमन माना जाता है पूरे का पूरा पीसीबी में, ठीक है। कहीं से भी कनेक्शन लेना है तो ग्राउंड एक उठाता ही है मोस्ट ऑफ द केस में, हमेशा नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ, अब हम आपको दिखाते हैं इससे कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से सिर्फ इस एरिया में सिर्फ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये है क्या, तो ये कैपेसिटर होगा पक्का, क्योंकि हमेशा ये देखिए कैपेसिटर है ना। और ये कितने वोल्ट का है, ये 25 वोल्ट का है, और कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है, 47 माइक्रोफेरेड। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्लोज टू जो जितना वोल्टेज उसमें उस वायर में मतलब उस जो भी सर्किट है उसमें कितना वोल्टेज है, उससे हमेशा कैपेसिटर जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। ताकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज भी आ जाए तो कैपेसिटर उड़े ना, जले नहीं। अगर आपको देखना है कैपेसिटर कैसे ब्लास्ट होता है तो भी हम वीडियो बहुत पहले बनाए हुए थे, होगा मेरे चैनल पे कहीं दूर पड़ा हुआ, तो उसमें कैपेसिटर ब्लास्ट होता है। इसलिए इसको 25 वोल्ट लिया गया है एकदम करेक्ट। और मतलब तो इसमें अगर एक कैपेसिटर कभी ख़राब हुआ ना, तो इसमें हम 5 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक लगा सकते हैं कैपेसिटर, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ये जो है 47 माइक्रोफेरेड ये क्लोज टू 47 ही हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें इस सर्किट में वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये करंट स्टोर करने का काम करता है, करंट स्टोर करने का, ताकि अगर अचानक से लाइट चल जाए। बहुत सारा इसका एप्लीकेशन, कैपेसिटर का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि हो कि अगर लाइट चल जाए तो थोड़ा देर अगर बिजली अचानक से ना जाए, मतलब उसका भी है बहुत। और ये बहुत होता है कि मतलब जब हम एनालॉग से डिजिटल में, सॉरी एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ भी यूज होता है, ताकि सिग्नल स्मूथ करने के लिए भी यूज़ होता है इसको, ठीक है, प्योर डीसी करने के लिए। तो बहुत सारा यूज़ है इसका वैसे। तो यहाँ पे वोल्टेज स्टोर करने के लिए प्लस सिग्नल स्मूथ करने के लिए भी है, डबल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये जैसा पीसीबी है। तो ट्रांसफ़र टू एसडी कार्ड, तो हम काम आसान करने के लिए हम इस पीसीबी का जो है सो एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, मतलब पेपर पे। और अभी हम आपको समझाते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअली में। तो ये यूएसबी का 4 पिन आ रहा है, ये पिन हमारा जो है सो ए वायर प्लस 5 वोल्ट है, पावर देने का काम करेगा। ये कॉमन है, ये ग्राउंड कॉमन निगेटिव जो भी मानना है मान लीजिए, हर एक केस में ये अलग काम करेगा, मतलब ये कॉमन ही होता है। ये प्लस 5 वोल्ट है, ये हमारा क्लॉक का है, ये डेटा है। क्लॉक और डेटा हम बाद में समझाएंगे जैसा कि बोले, और हम बताते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें है कि निगेटिव जाके यहाँ पे कैपेसिटर में जाके लग रहा है। देखिए, ये कैपेसिटर हमेशा निगेटिव पॉजिटिव के बीच में लगता है, ताकि वो वोल्टेज को मतलब करंट को स्मूथ कर दे। उसके बीच में अगर कोई इंटरफेरेंस है तो यहाँ से और यहाँ से कोई इंटरफेरेंस भी आ सकता है कंप्यूटर के थ्रू, जो कि आता ही है मोस्टली, उसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पे इसमें और इसके बीच में कैपेसिटर लगा है। इसके बीच में कैसे लगा है, तो ये देखिए, ये यहाँ आया है और ये यहाँ पर घूम के ऐसे आया है, जो कि ये फिर यहाँ आया है। तो कहने का मतलब एक दूसरे इसके बीच में है, ठीक है। तो ये 25 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है इसके बीच में।
ओके, ये वोल्टेज स्मूथ करने का इसका काम समझ गए। ये निगेटिव और कहाँ कहाँ गया है, देखिए निगेटिव कॉमन होता है तो हर जगह जाता है, ठीक है। ये पीसीबी निगेटिव को हर जगह इसलिए लिया जाता है कि पीसीबी का डिज़ाइन छोटा हो जाए, मतलब समझ रहे हैं, इतना छोटा बोर्ड में इतना सारा सर्किट अगर रियल लाइफ में कीजिएगा तो मतलब बहुत किस किस को जोड़िएगा कैसे, तो इसलिए निगेटिव हमेशा कॉमन कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया टेक्निक है वैसे तो। ये देखिए निगेटिव यहाँ भी गया हुआ है, ये लेफ्ट क्लिक में, लेफ्ट क्लिक के एक बटन, ये बटन है एक्चुअली में, इसको दबाइएगा ना तो ये दोनों सट जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, जब हटाइएगा तो ये दोनों ओपन हो जाएगा, जब दबाइएगा तो क्लोज हो जाएगा, हटाइएगा तो ओपन हो जाएगा। इधर भी है तो ये निगेटिव यहाँ भी गया हुआ है और यहाँ भी गया हुआ है, तो जब इसको दबाइएगा तो इस जगह पर निगेटिव करंट आएगा, निगेटिव करंट। तो जब इस जगह पर निगेटिव करंट आएगा तो इसको माइक्रो कंट्रोलर को पता होगा कि भाई लेफ्ट क्लिक किया गया, और वो बेसिकली डेटा और क्लॉक के से जो है सो बेसिकली भेज देगा कंप्यूटर को भाई लेफ्ट क्लिक किया गया है। उसी तरीके से यहाँ से राइट क्लिक करेगा तो यहाँ से करंट जाके यहाँ जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा कि यहाँ से करंट आ रहा है मतलब राइट क्लिक किया गया, तो वो जो है सो इसको भेज देगा डेटा, ऐसे काम करता है। फिर वहीं से मिडिल क्लिक में गया, मिडिल क्लिक में अगर डायरेक्ट हो जाएगा ओपन है तो कोई बात नहीं, अगर क्लोज हुआ जैसे सर्किट तो यहाँ से यहाँ भेज देगा। ये तीनों पिन बेसिकली तीन क्या बोलते हैं, तीन चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर इसका काम ही है कंट्रोल करना। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव है कैसे, तो ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि अभी फ़ोन आ गया था पता नहीं किसका, मतलब जो भी हो, तो यहाँ से ये निगेटिव आया है, ये कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर का ये भाग पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव करंट जा रहा है। अब एक्चुअली में ये किसके लिए अभी तक हमको पता नहीं, क्योंकि ये हमको तब पता चलेगा जब हम इसका डेटा शीट देखेंगे इस कंपोनेंट का, ठीक है। क्योंकि डेटा शीट के बिना पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम पता कर ले रहे हैं बहुत बड़ी बात है बिना डेटा शीट देखे, नहीं तो दिमाग ख़राब, डेटा शीट किए बिना देखे बिना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है सो बेसिकली एक तरीके से सिग्नल रिसीव करता है ये चारों का चारों, और जैसे सिग्नल आता है वो बताता है कि वो जो भी था सिग्नल किस चीज़ का था, वो डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे ये लेफ्ट क्लिक का था, ये मिडिल क्लिक का था, ये राइट क्लिक का था, वैसे ये किस चीज़ का है भाई। तो ये गया है यहाँ से किस में, क्या है भाई, 5 ओम, 5 ओम है क्या, 91 ओम है शायद, पता नहीं कितना, 5 ओम है, 5 ओम लगता है, जो भी हम क्या लिखे पता नहीं चल रहा है। तो 5 ओम मान लेते हैं अभी, 5 ओम और 5%, तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ये वाला है, ठीक है, जो कि हम उस समय बताए थे ये कलर बैंड है, ये वाला रेसिस्टर, ये रेसिस्टर है, तो इसका कलर बैंड का हम देखें तो उसके बाद इतना रेसिस्टेंस निकला 5 ओम, 5%, 5% इसलिए होता है ये लास्ट वाला जो गोल्डन लास्ट वाला जो ये जो बैंड होता है वो डिसाइड करता है कि वो जो उसका वो है क्या बोलते हैं यार उसको हम भूल जाते हैं, मतलब एक्यूरेसी क्या है एक तरीके समझ सकते हैं। तो 5% इस रेसिस्टेंस का 5% वैल्यू इधर उधर हो सकता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिरेमिक रेसिस्टर का जो है सो 5% इधर से उधर हो सकता है, तो 10% होता है, 5% होता है, 5% उससे बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया रेसिस्टर होता है 5%, 10%, 20% ऐसे चलता रहता है, 20% मैक्सिमम जाता है उससे बढ़िया है तो रेसिस्टर किसी काम का नहीं है, मतलब क्या होगा उसका फ़ायदा फिर, तो 5% है, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट है तो इसमें 5% होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम हुआ तो फिर एक्यूरेसी गड़बड़ा जाएगा, डिजिटल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस 5% रेसिस्टर्स यानी कि बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज कम कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज किसके लिए कम कर रहा है, तो यहाँ पे एक डायोड है, ये कौन सा डायोड है, तो ये है लाइट इमिटिंग डायोड LED, ये वाला, मतलब ये वाला, ठीक है, ये LED है, और ये लाइट इमिटिंग डायोड बेसिकली यहाँ से ये करंट, ये वाला भाग निगेटिव है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी निगेटिव है और यहाँ ये निगेटिव है, तो बेसिकली कहने का मतलब इसको निगेटिव करंट इधर से मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव को फॉलो करते हैं, ये कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट पॉजिटिव में जा रहा है, ओके। तो डायरेक्ट पॉजिटिव में जा रहा है मतलब पॉजिटिव करंट इसको डायरेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये LED है, इसको पावर चाहिए जलने के लिए, ठीक है। जब इसमें जा रहा है तो उसके निगेटिव में क्या होगा, इस LED में कब जलना है, नहीं जलना है, क्या करना है, नहीं करना है, इस LED का कितना वोल्टेज के साथ जलना है, वो बेसिकली हमारा ये वाला पिन कंट्रोल कर रहा है।
ठीक है। फिर बोले ये माइक्रो कंट्रोलर, याद रखिएगा इसका काम है कंट्रोल करना, सिग्नल कंट्रोल करना, ओके। और ये थोड़ा रेसिस्टर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये वोल्टेज थोड़ा सा कम करने के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें वोल्टेज थोड़ा ही ज़्यादा देता होगा, तो मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर का ये वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि एलईडी के लिए सेफ रहे, ठीक है। हालांकि हमको नहीं लगता है कि 5% 5 ओम हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा वैसे, लेकिन अब दिया तो दिया है भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, तो ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए। उसके बाद ये पिन छूटा हुआ है क्योंकि इस पिन में भी हम एक और चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर हमको मन हुआ फ्यूचर में लगाने का, तो हम इसको इसमें लगा देंगे, बशर्ते कि हमको माइक्रो कंट्रोलर को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, राइट। रीप्रोग्राम करेंगे माइक्रो कंट्रोलर को, रीप्रोग्राम करने के बाद जाके ये फिर से काम करेगा, उसमें डिफाइंड हो जाएगा कि इसका क्या काम है, मतलब कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एलईडी लगा दिए, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये वाला एलईडी एकदम ग्लो करे, भुक भुक करे, एकदम गेमिंग माउस में होता है ना कि मतलब एकदम कोई भी मतलब अच्छा चीज़ लगा दिए, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं कि एक बार बंद हो चले एकदम बढ़िया से, एकदम स्पीड में। तो हम चुपचाप क्या करेंगे, इस वाले पिन को इसमें लगा देंगे, और ये चूंकि पता नहीं निगेटिव, सब निगेटिव हो सकता है, निगेटिव होगा तो ये मान लीजिए निगेटिव है, ये कोई डायोड है तो इसमें हम लगा देंगे, और ये पॉजिटिव को डायरेक्ट जाके यहाँ जोड़ देंगे यहाँ पर, राइट। दिख रहा है क्या, मतलब हम बताएं कि ये जो है इसको हम यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, उसके पॉजिटिव को डायरेक्ट यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव मेन आ रहा है, तो उससे होगा कि माइक्रो कंट्रोल में प्रोग्राम होगा कि इसको भुक भुक कराना है, तो ये उसका उस तरीके से हिसाब से करवाएगा जो भी करना होता है, तो ठीक है, इस तरीके से काम करता है। उसके बाद इधर चलते हैं, इधर तो हो गया, और इधर है कि ये दोनों पिन तो हम आपको बता दिए कि ये दोनों पिन एक +5 वोल्ट है जो इसको पावर देने का काम करता है, इधर से ये भी पावर देने का ही काम करता है शायद, मेरे ख्याल से +5 वोल्ट ये भी होगा, ये भी पावर देने का ही काम करता होगा शायद, लग तो यही रहा जो भी हो, तो ये लेकिन डेफिनेटली पावर देने का काम करता है, ये निगेटिव है, ग्राउंड है, ये दोनों पावर के लिए, इस माइक्रो कंट्रोलर को काम करने के लिए ये दोनों पावर है। उसके बाद राइट साइड में ये दोनों डेटा और क्लॉक का है, वो हम अभी बताएंगे, और ये बीच वाला दो जो है ये हमारा बेसिकली पहला दूसरा ये क्या है, कहाँ जा रहा है, व्हील में जा रहा है, और ये व्हील कौन सा है, हाँ बेसिकली तोड़ दिए हम व्हील को एक्चुअली में व्हील क्या है ना हमको खुद नहीं पता चला, समझे, हम थोड़ा सा इस पर और रिसर्च करेंगे, अभी फिलहाल हमको पता नहीं चला इसका मैकेनिज्म, क्योंकि तीनों शॉर्ट कर रहा था, कुछ यहाँ पे इंडक्शन उंडक्शन का काम हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से इंडक्शन उंडक्शन हो रहा है, तो इंडक्शन से ही काम कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट तीनों था, तो मतलब कोई ऐसा डिजिटली तो है नहीं इसमें, इंडक्शन के वजह से शायद मेरे ख्याल से कुछ हो रहा है, मतलब इस पर हम रिसर्च करेंगे बाद में, ठीक है, इसको बाद के लिए छोड़ देते, लेकिन हाँ एक तरीके से ये तीनों कहाँ गया, ये तीनों, हाँ नहीं नहीं ये दोनों, सॉरी ये दोनों जाके जुड़ा हुआ है यहाँ पे व्हील में, और ये वाला +5 वोल्ट जाके जुड़ा हुआ है +5 वोल्ट ये पावर देने के लिए। तो हो क्या रहा होगा कि ये वाला दिखता है क्या, ये वाला जो है सो इसको पावर दे रहा होगा, ठीक है, और ये दोनों इस ये व्हील पता नहीं क्या है एक्चुअली, हमको इतना नहीं पता है, हम क्योंकि हम इसमें इसको देखेंगे बाद में, हमको मिला नहीं कभी, हम जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। तो उसके बाद ये व्हील बेसिकली कंट्रोल करता है किसी तरीके से कि जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये इसका काम होता है कि इस दोनों वायर के थ्रू सिग्नल भेजना, तो मेरे ख्याल से इस दोनों में वायर में से किसी एक में अगर सिग्नल भेजता होगा इसका मतलब है कि नीचे स्क्रॉल करना है, और इस दोनों में से किसी एक और वायर में दूसरे वाले वायर में अगर सिग्नल भेजता होगा तो इसका मतलब है कि ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि दोनों सिग्नल वायर है, ये बेसिकली सिग्नल रिसीव करता है, ओके। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो गया, राइट। अब बात करते हैं कि डेटा और क्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, तो अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको तो हम बताते हैं डेटा क्लॉक क्या होता है, ठीक है। डेटा क्लॉक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी, मतलब सभी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब चीज़, वो सारा काम झमेला जो है सब डेटा और क्लॉक का ही, क्लॉक वायर का ही होता है। मान लीजिए डेटा क्लॉक क्या करता है, क्लॉक को साइड कर दीजिए, ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि एक ग्राउंड, ठीक है, जो कि हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में ग्राउंड आएगा, ठीक है, और एक डेटा। तो डिजिटल सिग्नल आपको पता होगा कि 0 एंड 1s में होता है, 0 एंड 1s 0 1 0 1, मतलब ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ
ऑन या फिर 1 1 1 0 0 ऐसे ही मतलब कुछ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। तो इसको वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि डिजिटली हम जानते हैं 0 0 0 1 1 1 जैसे करके होता है। तो वायर में होता है कि करंट यहाँ पे है एकदम सीधा, इसका मतलब है 0+0 वोल्ट, ओके। और ये कॉमन जो है सो ग्राउंड, ग्राउंड होता है ये कुछ नहीं होता है, मतलब एक तरीके से इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम 0 वोल्ट मान लेते हैं, 0 कॉमन को, कॉमन को 0। हम इसको पता नहीं क्यों बार बार निगेटिव निगेटिव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में 0 निगेटिव नहीं, एकदम एक इसको अलग 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 सिनेरियो में अलग अलग होगा। इस सिनेरियो में होगा कि इसको ग्राउंड एकदम 0 मान लेंगे। उसके बाद ये जो है 1 वाले को, 1 1 जो है उसको प्लस मान लेंगे, +5 वोल्ट, राइट। और ये +5 वोल्ट जो होता है ये डेटा होता है। यहाँ पे वो वाला +5 वोल्ट मत लीजिएगा, वो जो +5 वोल्ट था वो पावर के लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ वो कंटिन्यूस +5 वोल्ट होता है। चेंजेज इस वाले में होता है, डेटा वाले में। तो ये चूंकि ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे 0 0 1 1 1 0 0 है, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ भी ऐसे रहेगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तक ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे ये +5 वोल्ट चला जाएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये सिग्नल पास होता है, इसी तरीके से डिजिटली सिग्नल जाता है। अब ये क्लॉक क्या करता है, ठीक है। हर एक चीज़ में आपको क्लॉक सुनने को मिलेगा, मतलब किसी भी जगह, मतलब इवन ईथरनेट में जो होता है, नेटवर्किंग ईथरनेट में होता है कि कितना वायर होता है, 4 पेयर होता है। तो 4 पेयर में एक हो गया, ये पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया, ठीक है। तो 4 पेयर जो होता है हमारा नेटवर्किंग में, ईथरनेट की बात कर रहे हैं, RJ45 की बात कर रहे हैं, जो ईथरनेट होता है, ठीक है, फलाना ढिमकाना जो भी रहे, तो उसमें 4 पेयर होता है। तो 4 पेयर में 2 पेयर बकवास होता है, वो मोस्टली यूज़ नहीं होता है, ठीक है। उसको अभी हम इग्नोर मारेंगे फिलहाल, उसका अलग एप्लीकेशन है, लेकिन अभी हम कंसंट्रेट करेंगे ये 2 पेयर पे। वो 2 पेयर वो दूसरे एप्लीकेशन के लिए आता है, लेकिन हम फिलहाल हम इसको समझने के लिए ये दो इथरनेट में जो ये 4 वायर, मतलब 4 पेयर ऑफ वायर होता है, जिसमें से कि 2 मोस्टली यूज़ नहीं होता, उसमें से ये जो बचा हुआ 2 है, उसमें से 2 डेटा सेंड करने के लिए और 2 डेटा रिसीव करने के लिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें क्लॉक के लिए कोई अलग से वायर नहीं होता है, इसमें इंटीग्रेटेड होता है, एक ही वायर में क्लॉक और डेटा दोनों जा रहा होता है, ठीक है। वो बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। एक याद नहीं है उनका नाम, लेकिन उन वही जो है सो ये कॉन्सेप्ट दिए थे कि एक ही वायर से दोनों जा सकता है, कैसे दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये डेटा है, राइट, अगर सीधा सीधा एक सिंपल सा डेटा 1 0 1 0 1 0 का बनाया जाए, ठीक है। और ये क्लॉक है, ठीक है, जो भी है, क्लॉक है, डेटा है, डेटा क्लॉक है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को सिंक्रोनाइज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, मतलब दोनों मिल जाता है, ठीक है, एक ही वायर में। थोड़ा ई कौन से हमको भी नहीं पता, उनका नाम भी नहीं आता, लेकिन हाँ दोनों मिल जाता है। तो इथरनेट में होता है कि दो वायर होता है सेंड करने के लिए, 2 वायर होता है रिसीव करने के लिए। अगर हमको कभी भी ये देखना होगा कि एक वायर से क्या जा रहा है इथरनेट में, तो हम बेसिकली इसका हॉट प्लग करके इस वायर को और इस 4 वायर को और बेसिकली उसका डेटा कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, बशर्ते वो जो है सो सिंपल इनक्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, सिंपल पैकेट्स होना चाहिए, मतलब पूरा रॉ डेटा। तो कभी भी राउटर में जब भी हम लोग नेटवर्किंग में होता है कि मतलब क्लॉक सेट करते हैं कि हाँ इसका इतना क्लॉक रेट इतना है, 36,000 37,000 ऐसे करके कुछ कुछ होता है, मतलब अपना अपना अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं क्लॉक। तो ये क्लॉक का काम होता है डेटा करेक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे, एकदम सबसे नीचे के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इसका काम होता है डेटा करेक्शन का, डेटा को इंटीग्रिटी, मतलब इसका चेक करने के लिए डेटा सही पहुंचा है या नहीं क्लॉक। क्यों, कैसे काम करता है, तो मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे 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 करके मेरा डेटा जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 1 1 0 1 1 0 है, राइट। अब
मान लीजिए ई हमको पता, हम दिमाग लगाएं कि यहाँ पे 3 जीरो है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ये तो समझ गया यहाँ पे 0 है, वहाँ ये 1 है 0 है, तो जब बड़ा गैप हो जाता है, जहाँ पे बड़ा गैप हो जाता है वहाँ पे कंप्यूटर कैसे समझेगा कि उसके बीच में कितना 1 था, राइट? नहीं समझे? अब मान लीजिए सिग्नल डिग्रेड हो गया, सिग्नल डिग्रेड हो जाने के बाद जो है सो थोड़ा सा होता है कि मतलब ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसका बिहेव साइज़ थोड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो भी है हमारा कंप्यूटर को कि बेसिकली यहाँ पे कितना 1 था, कितना 1 था? तो यहाँ पे क्लॉक आता है, तो क्लॉक यहाँ पे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कितना 1 था। तो क्लॉक सिंपल सा है, ऐसे होता है, ठीक है। इसके और फिर इसके, ठीक है, वो कंटिन्यूस होता है, वो डिसाइड करता है कि एक वायर में एक सेकंड में कितनी बार जीरो वन एक सेकंड में कितनी बार होना है, ठीक है, एक सेकंड में कितनी बार होना है। तो जितनी बार भी होगा, ये मान लीजिए 25,000 बार हुआ, 25,000 बार जो है सो एक सेकंड में ये 0101 हुआ क्लॉक, तो इसके हिसाब से ये इसको मैच करेगा ऊपर वाले को कि यहाँ पे कितना 1 होना चाहिए था, राइट? समझ गए ना? अगर समझ गए तो अच्छी बात है। तो ये बेसिकली क्लॉक सिर्फ इसलिए चेक करने के लिए होता है कि मतलब डेटा का सही फ्लो हो रहा है या नहीं, यहाँ पे कितना 1 है कितना 0 है। अब क्या होगा, हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि क्लॉक हमेशा दोनों तरफ से एक तरीके का करना चाहिए, सिंक्रोनाइज रहना चाहिए। अगर क्लॉक थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, अगर क्लॉक दोनों तरफ अलग अलग है तो मान लीजिए यहाँ पे कैसे समझा यार, ये 1 है 0 है, 1 है 0 है, और यहाँ पे ये है, ठीक है, पता नहीं क्या हम कर रहे हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं समझाते हैं, देखिए ये है, ऐसे 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 ऐसे है, ठीक है, और ये क्लॉक है यहाँ पे, ऐसे है, ऐसे है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया क्लॉक। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे वाले का क्लॉक स्पीड ज़्यादा तेज है, ऊपर वाले का कम है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में हो गया कि इसको इससे मैच कर लिया, इसको इससे मैच कर लिया, इसको इससे मैच कर लिया, मिसमैच हो रहा है, ठीक है, मिसमैच हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस डायग्राम को सही से बनाएं तो होता है कि डेटा जाता तो है लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ बिट्स जो है ना वो गड़बड़ा जाता है, गायब हो जाता है, बेसिकली गायब हो जाता है, और भी हो जाता है लेकिन मोस्टली गायब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका कोई एक बिट्स गायब हो गया तो डेटा करप्ट हो गया, डेटा करप्ट हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए भी एक है, तो फिर क्या बोलते हैं उसके उस लेवल पे क्या बोलते हैं लेयर 3 नहीं नहीं पता नहीं क्या आईपी वाले लेवल पे धूप भूल जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो उस पर आईपी में आईपी प्रोटोकॉल सब जो होता है मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए वो डिसाइड करता है कि अगर कोई डेटा बिट्स नहीं आया है मतलब कोई तो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता है तो फिर वो फिर दोबारा से भेज देता है वापस, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर मिसमैच है, अगर MTU भी शायद बोलते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU भी बोलते हैं क्लॉक, इसमें पता नहीं क्या MTU भी शायद उसी टाइप का, लेकिन क्लॉक ये है, राइट? तो ये इस तरीके से काम करता है। तो हमारा इस वायर में इस PCB में हमारा 2 है, ये है क्लॉक और ये है डेटा, सॉरी हाँ ये है क्लॉक, ये है डेटा। तो अगर हमको कभी रीड करना हुआ कि इस कैमरा में से क्या निकल रहा है, कैसे देख रहा है कैमरा, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक 5+ इसमें +5 वोल्ट जोड़ देंगे, इस वाले में +5 वोल्ट जोड़ देंगे, इसमें ग्राउंड जोड़ देंगे जो भी है, और इस दोनों को अर्ड्रीनो के साथ जोड़ देंगे। अर्ड्रीनो में पिंस होता है बहुत सारा, ठीक है, अर्ड्रीनो में बहुत सारा पिंस होता है, ठीक है, अर्ड्रीनो जो भी है वो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर है,
तो उसमें बहुत सारा पिंस होता है, तो उसमें से इस दोनों को जोड़ देंगे और इस दोनों से हम रीड करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या डेटा सेंड करता है, राइट। जब हम इसको मूव करते हैं, मतलब इस कैमरा के थ्रू क्या डेटा रिकॉर्ड होता है, राइट। तो उसके बाद हम रीड कर पाएंगे, बशर्ते इसका ड्राइवर होना चाहिए अर्डुइनो में। हर चीज़ ड्राइवर एक बेस होता है ये बताने का कि इसमें डेटा जो भेजा जा रहा है वो कैसे, मतलब किस क्लॉक स्पीड से भेजा जा रहा है, मतलब बेसिकली किस तरीके से भेजा जा रहा है, ठीक है, किस तरीके से भेजा जा रहा है, ये ड्राइवर में इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ड्राइवर्स में। और इसी वजह से ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। अगर अर्डुइनो का इस पीसीबी, वैसे ई पीसीबी जो चाइनीज़ पीसीबी है तो ऑफकोर्स इसका ड्राइवर होगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। तो अगर मेरे पास अर्डुइनो होता तो हम बेसिकली इस दोनों वायर को जोड़ते और इस दोनों वायर में प्लस 5 वोल्ट डाल देते। इसको ज़रूरत नहीं था कंप्यूटर में कनेक्ट करने का। अगर आप फिर आप बोलिएगा कि भाई कंप्यूटर में कनेक्ट करके दिखाओ, एक मिनट और, हाँ कंप्यूटर में कनेक्ट करके दिखाओ, तो कंप्यूटर में ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी पता नहीं कंप्यूटर में शायद कंप्रेस करके, मतलब पूरा एकदम क्या बोलते हैं, अलग तरीके से। लेकिन हाँ एक हम कंफर्म कह सकते हैं कि मतलब इस दोनों में से हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा काम का, इस डेटा और क्लॉक से। यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंप्यूटर में डेटा अल्टीमेटली सेंड करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि इसका जो इस कैमरा जो देख रहा है वो ना मिले, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड है ना, क्या बोलते हैं, इसमें कैमरा और वो क्या बोलते हैं उसको माइक्रो कंट्रोल इंटीग्रेट हो गया है। बात ये है, ये प्रॉब्लम करेगा कि हो सकता है कि डायरेक्ट ये कंप्रेस, मतलब फाइनल रिजल्ट भेजता होगा डेटा में, तो हम वैसे केस में नहीं देख पाएंगे कि कैमरा क्या देख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर अलग होता है और ये अलग होता है, तो पक्का हम उसको देख पाते कि वो क्या भेजता है एक्चुअली में, मतलब कैमरा क्या रिकॉर्ड करता है, राइट। तो ये हो गया। और इवन इस LED का भी मेरे ख्याल से जिस तरीके से इस माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से डायरेक्ट होना चाहिए था। अगर डायरेक्ट होता तो कोई बात नहीं था, अगर माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि LED का भी फ्रीक्वेंसी कुछ, मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब EV किसी तरीके से इसमें योगदान दे रहा है, मतलब अपना अच्छा खासा, मतलब ये भी डिजिटल है एकदम तरीके से, डिजिटली जो है सो काम कर रहा है, ये एनालॉग तरीके से काम नहीं कर रहा है, डिजिटली काम कर रहा है। तो ये था हमारा पूरा रिवर्स इंजीनियर, मतलब पूरा रिवर्स कर दिया इसको, खोल खाल के देख लिया इसमें क्या है, मतलब अब क्या करना चाहिए। अब इस कैमरा को खोलते हैं, देखते हैं।